नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यह ऑनलाइन लिए गए लोन का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। लोन पास हुआ 4,405 रुपये का। बताया गया अमाउंट पे करना है रीपेमेंट के तौर पर 5,445 रुपया, लेकिन कंपनी पांचवें दिन कहती है अब 8,000 भरो। इस पर लाइव चर्चा मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। कोरोना काल के बाद से लोगों की परेशानियां फाइनेंशियल काफ़ी बढ़ गई और लोग परेशान हुए, तो छोटे छोटे उद्योग वालों के पास और फिर उसके बाद जो है लोग बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप सब ये बातें जानते हैं कि जो आप फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक पर आपको लोन का एप्लीकेशन मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए शेयर करते हैं लोग और उस पर जो है बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है जिसका एप्लीकेशन रहता है और बिना सोचे समझे उस पर लोन ले लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा बहुत ख़राब होता है। हमने ऐसा भी सुना है और देखने में आया कि कुछ लोग अपना मोबाइल बंद कर लिए, ये लोन एप्लीकेशन का ऐसा शिकार हुए। जब हमारी बातचीत हुई तो कुछ लोगों ने बताया कि 2,000 रुपया लिया था, 4,000 उसके बदले भरना पड़ रहा है, वो भी 1 हफ्ता 10 दिन और इस तरह के टाइम के अंदर। तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में ऐसे एप्लीकेशन पर तुरंत वो करते हैं। क्या उसको सर्च करना चाहिए कि NBFC में रजिस्टर्ड है कि नहीं, RBI के गाइडलाइन के हिसाब से है कि नहीं? तो हमारे एक्सपर्ट कुछ जुड़े हुए हैं जिस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होता है इस तरीके से लोन के काम के अंदर। लोन लोग परेशानी को ख़त्म करने के लिए लेते हैं ताकि उनको एकमुश्त अच्छी बड़ी रकम मिले और फिर धीरे धीरे वो उस रकम को अदा करते रहे। उसका जो है सिस्टम होता है, तरीका होता है, लेकिन आइए हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं इस पर, उनका क्या कहना है और कैसे ये परेशानी आती है। तो जी सर, परिचय दें अपना। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद खान है और मैं जनजागृति फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आपका DBS TV चैनल भी हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है, काफ़ी कवरेज करता है और बहुत सारे मुद्दों पे जो है, अहम मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे आप आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक रही आप अभी जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं ये लोन की, तो कोरोना काल के बाद से लोगों को बेसिक नीड में बहुत परेशानी आ रही है। लोग छोटे छोटे काम के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बंदा लोन की तरफ भागता है और लोन का ऐसा सिस्टम हो गया है कि अभी बहुत सारे लोन एप्लीकेशन जो पेपरलेस होते हैं, ऑनलाइन आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी कुछ नॉर्मल डिटेल डालेंगे, वो आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं और आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। विद इन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही आपका लोन हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो है, इसको साइबर क्राइम आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं लोन के नाम पे। जी जी। कुछ कंपनियां जो है वो जेन्युइन है, जो काम करती हैं उनका कुछ परसेंटेज जो है होता है जो उसके नाम पे लोन के जो है ब्याज के नाम पे लेती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां जो फ्रॉड करती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा लेती हैं। लोन लेते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी NBFC में रजिस्टर्ड है या नहीं है। जो कंपनी लीगल होगी लोन देगी वो पहले आपको अप्रूवल देगी, आपका लोन डिस्बर्स होगा। डिस्बर्स होने के बाद आप अगर चाहेंगे उसको लेना तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहेंगे तो वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं, अब इसमें फ्रॉड जो किस तरीके से होता है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे जानकारी में 2 लोगों के साथ हो चुका है जो मेरे बहुत ही खास हैं, जिनको मैं जानता हूँ। एक तो मेरे जो है बरेली के फ्रेंड हैं इमरान खान साहब, उनको जो है व्हाट्सएप पे या कहीं तो उनको कॉल आया या मैसेज आया कि आप अपना अगर सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी जी। आप अगर अपना सिविल स्कोर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जो है आपको लोन लेना चाहिए। अब आदमी लोन इस वजह से बंदा ले रहा था क्योंकि उसको शायद फ्यूचर में बड़ा लोन लेना हो, होम लोन लेना हो, जिसके लिए उसको अपनी सिविल स्कोर इम्प्रूव करनी थी।
तो उसने सोचा कि चलो ठीक है ले लेते हैं, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, उसको ऑफर किया गया कि आपको 5 से 20 हजार रुपए तक का लोन हो सकता है। अच्छा। और इससे आपका सिविल बढ़ जाएगा जी। तो बंदे ने ट्राई किया ऑनलाइन, जो है प्रोसेस जो भी उनका था, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डाला, डालने के बाद जो है उसका 5,000 का या 8,000 का शायद अप्रूवल हुआ। अब ये लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड होते हैं एनबीएफसी में रजिस्टर्ड नहीं, उस एप्लीकेशन का नाम एजी लोन है। अच्छा। अब एजी लोन में वो जो है प्रोसेसिंग में सारी चीज चली गई, उसने अपनी सारी डिटेल डाल दी। अब ये लोग क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग में डाल करके जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वो लोगों की तरह ये पूरा सिस्टम बताते नहीं है कि आपका इतना लोन होगा, इतना आपका इंटरेस्ट जाएगा, इतना आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट दूसरे दिन जो है उसके अकाउंट में 4,400 रुपए आ जाते हैं। अब उसके बाद बात उसको ये बताई गई थी कि 90 डेज का पीरियड रहेगा, 90 डेज में आपको पे करना है और सिर्फ ओनली 450 रुपीज इंटरेस्ट के नाम पे देना है। अच्छा। लेकिन जब दूसरे दिन 4,400 अकाउंट में आता है, बंदा तो देखा कि भाई अकाउंट में आ गया, ठीक है, अब उसको ये पता है कि 90 डेज में हमको रिपेमेंट करना है। लेकिन पांचवे दिन इनका मैसेज आना चालू हो जाता है और ये आपके मोबाइल को पूरा हैक कर लेते हैं। आपके मोबाइल में जो भी डिटेल होती है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, सब इनके पास चले जाते हैं। पांचवे दिन आपको बोलेंगे आप रिपेमेंट करो, और रिपेमेंट भी थोड़ा बहुत नहीं, 4,400 का ये 8,010 रुपए रिपेमेंट के लिए करते हैं। और उसके बाद ये इतना प्रेशर बनाएंगे, जो कि मैं एक चीज ये भी क्लियर कर देता हूं कि आदमी ये डर जाता है कि अगर मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा सिविल खराब हो जाएगा। तो अगर आपने किसी ऐसे एप्लीकेशन से लोन लिया है जो एनबीएफसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने सिविल की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके उससे सिविल कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी बिल्कुल। और दूसरी चीज, लेकिन आदमी भरता क्यों है, ये जो आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, इनके पास जो भी सारे आपके डेटा रहते पहुंच जाते हैं, तो ये आपके रिलेटिव को जो है मैसेज करने की धमकी देंगे कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपको वायरल कर देंगे, आपको फ्रॉड बताएंगे, आपको लोन चोर बताएंगे, ऐसा ऐसा मैसेज करके ये धमकी देंगे। और ये कॉल पे बात नहीं करते हैं, इनके कस्टमर केयर का कोई नंबर नहीं होता, आप मानते मानते थक जाएंगे, ये आपको कोई नंबर कस्टमर केयर का प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ ये व्हाट्सएप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको धमकियां देंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, ये इनका काम है। ऐसा मेरे जानकारी में मेरे खास दो लोगों का हो चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, जिसमें एक कुकू लोन है, एक एजी लोन है, एक कैश फ्रीडम लोन है, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप फेसबुक पे जब स्क्रॉल करेंगे फेसबुक, तो उस पे ये एड आपको दिखाई देंगे। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे हमने गूगल और ये फेसबुक, ये हमारे माइंड को पढ़ लेते हैं, हमने एक लोन एप्लीकेशन को सर्च किया, ये बार बार हमको लोन वाला एप्लीकेशन ही दिखाएंगे, और बंदा क्या करता है क्लिक करता है, उसको पैसे की नहीं, 2-5 हजार रुपए की इमरजेंसी जरूरत है, किसी की ईएमआई बाउंस हो रही है, वो अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने के बाद ये आपके बिना मर्जी के आपके अकाउंट में 4,400 भेज देंगे, और उसके बाद 8,000 रुपए की डिमांड करेंगे, और भी 5 डेज के अंदर, ये भी नहीं कि उसके लिए आपको ये समय देंगे, नहीं, 5 डेज में आपको करना, नहीं तो आपको वायरल करना चालू कर देंगे, धमकी देंगे। क्या लगता है कि ऐसा जब ये कंपनियां कर रही है तो इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए जिन लोगों के साथ इस तरीके की? और ख़ास तौर पर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, अगर आपके मोबाइल में अगर ऐसा है कि इस तरह का मैसेज है या कुछ, तो आप स्क्रीन शेयर करें और बताएं ज़रा कि जो आपने कहा आपके जानने वाले के साथ इस तरीके से एजी लोन जो कंपनी है उसके माध्यम से जो हुआ है, कुछ मैसेजेस हैं तो आप दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, मेरे पास उसके जो भी जो है स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाइए। इसमें क्या होता है कि बंदा कंप्लेन नहीं करता है, जो कि करना चाहिए, सोचता है कि भाई छोटा सा मामला है 2-5 हजार का, इसमें क्या कंप्लेन करें, बट करना चाहिए। कंप्लेन नहीं करेंगे तो इसके आगे दूसरे भी शिकार होंगे, और इस बात को मीडिया तक भी लाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ना, हमारी जो है गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे, गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ऑनलाइन साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही क्यों है? बिल्कुल, इस पे बैन होना चाहिए। प्ले स्टोर अगर कोई एप्लीकेशन उस पे जो है डाल रहा है, तो प्ले स्टोर की जिम्मेदारी बनती है, और प्ले स्टोर को ये गाइडलाइन देना हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप किस एप्लीकेशन को लेंगे, किसको नहीं लेंगे। बिना आपने, आप एक लोन एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर पे रन करवा रहे हैं, आपने ये चेक नहीं किया कि ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड है तो आप उसको रन करवाइए, नहीं रजिस्टर्ड है तो उसको बैन करिए। ये जिम्मेदारी प्ले स्टोर की भी है, गूगल की भी है, और हमारे सरकार की भी है। लेकिन हम एक
जागरूक नागरिक होने की हैसियत से लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश के लोग इसका शिकार बने, क्योंकि आदमी एक तो ऑलरेडी 2-5 हज़ार रुपए के लिए परेशान है और उसके बाद इनसे लोन लेकर के 5 दिन में 4 हज़ार का उसको 8 हज़ार भरना है, तो उसकी परेशानी तो डबल हो गई है। अब अगर वो नहीं भरता है तो ये उसको बदनाम करते हैं। अब वो ये सोचता है कि यार 4 हज़ार रुपए के लिए 5 हज़ार रुपए के लिए अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचे कि भाई उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेज आए कि इसने लोन ले लिया, लोन नहीं भर रहा है, फ्रॉड है, चोर है, चीटर है, तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए भर देता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप भरो मत, बिल्कुल मत भरो, और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये चीज बताओ कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, ताकि उनके पास वो आपका मैसेज भेजे, उससे पहले आपका मैसेज पहुंच जाए। आपका सिविल बिल्कुल खराब नहीं होगा, सिविल की चिंता बिल्कुल ना करें। ऐसे लोगों से अगर आप लोन लिए हैं तो बिल्कुल ना भरें और कंप्लेन करें। मैं तो सीधा कहूंगा कि कंप्लेन करें, साइबर क्राइम में जाकर के इसको जो है बाकायदा रजिस्टर करवाएं कंप्लेन को। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये लोग जो है अपनी आय को बढ़ाने के लिए इस तरह का एप्लीकेशन बनवा करके और रन कर रहे हैं, और इमोशनल अत्याचार हो गया ये। जी बिल्कुल, बिल्कुल सीधे सीधे जी बिल्कुल, क्योंकि उनके जिन्होंने लिया है उनके रिश्तेदार और बाकी लोग, तो ऐसे लोगों को आगे निकल करके अब ज़रूरत है। जब तक हमारे आम नागरिक, हमारी आम जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक ये तो चलता ही रहेगा। ये तो सीधा उन लोगों की मनमानी चल रही है कि भाई पैसा दो और जितना मर्जी चाहे वसूल लो। क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं यही संदेश दूंगा कि पहली चीज तो ऐसे लोगों से बचें। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, आप किसी भी एप्लीकेशन से ऑनलाइन अगर लोन लेते हैं, तो उसको ये चेक करिए कि NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब NBFC रजिस्टर्ड अगर है तो उसकी जो गाइडलाइन है हमारे RBI बैंक की, उसके हिसाब से वो काम करेगा। और उससे जो है अगर हम लोन लेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट को भी उसका मतलब कुछ परसेंटेज पहुंचता है जो गवर्नमेंट भी लेती है, ठीक है। और अगर हम ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ लेते हैं तो उसमें ना तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है और ना तो हमको हो रहा है, हमको तो नुकसान हो रहा है। 4 हज़ार का 5 दिन में 8 हज़ार बनना है। तो ये सारी चीजें देख करके हम लोन लें और कोशिश ये करें कि ऐसे फ्रॉडों को जो अगर हमारे साथ मान लो जाने अनजाने में अगर हम फंस गए, तो हम उस चीज को छुपाए नहीं, हम उसको लोगों तक लाए, लोगों को जागरूक करें। मार्केट में बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए वो लोन लेते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। आप काफ़ी अनुभवी हैं, क्या कोई ऐसे भी लोग आपको मिले जो आपको बताए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले मैं गुजरात में कोड़ीनार गया था, वहाँ पर मुझे एक आदमी से मुलाकात हुई। उसने ऑनलाइन लोन के लिए फॉर्म भरा और उससे कहा गया कि आप 16 हज़ार रुपये भरो। उनका 11 लाख रुपये का लोन पास हुआ, बोले उन्होंने 16 हज़ार रुपये भर दिए, मगर उनको एक महीने से कोई इनको कोई रिप्लाई नहीं। जहाँ पर उनका नंबर दिया उस नंबर पर वो फ़ोन कर रहे हैं तो ना कोई से फ़ोन उठा रहा है, ना कोई वहाँ से कोई रिप्लाई आ रहा है। तो मेरी तो आजकल के जितने भी नौजवान, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ऑनलाइन लोन के चक्कर में मत जाओ। ये AG कोकू वगैरह जितने भी है, ये सब फ्रॉड है, समझे ना। और ये सब चक्री ब्याज वाले, जैसे पहले के जमाने में पठान थे, ज़मींदार थे, जो ब्याज का ब्याज मारते थे, वैसे इन लोगों का है। आप 1000 रुपया लोगे, 2000 रुपया आपसे ले लेंगे, आपका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप इसके चक्कर में मत जाओ ऑनलाइन के, और ये सब फ्रॉड है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ और अच्छे जो है कंटेंट के ऊपर बनाएंगे फिर से। तो देखा दोस्तों, ये एक्सपर्ट थे, इन्होंने बताया सारी चीज़ें, सारी जानकारी दी इन्होंने और साफ तौर पर कहा कि ज़रूरत सबको है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उसके परेशानी का कारण वो खुद बनते हैं। तो आप सावधान रहिए, होशियार रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए, और पूरी तरीके से सोच समझ कर ही अपने डिटेल्स को फिल कीजिए। कहीं भी मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन आशु विश्वकर्मा के साथ मैं मुकेश राणा, महाराष्ट्र।